सिलिकॉन वैली के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन होजे में टेस्ला मोटर्स कंपनी का दौरा किया। टेस्ला कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलोन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कंपनी के विशेष तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े खोजों सहित कुछ विशिष्ट आविष्कारों को देखा। टेस्ला की मुख्य विशेषता इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी है। यहीं पर पीएम मोदी ने टेस्ला में कार्यरत भारतीयों से भी मुलाकात की। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि टेस्ला अत्याधुनिक तकनीक पर काम कर रहा है, जिसका फोकस सौर ऊर्जा पर भी है। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला के तकनीक से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी दौरे के दौरान सैन फ्रांसिस्को में एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि एप्पल भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए बड़ी कामयाबी होगी। साथ ही ये कदम देश में डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत तमाम बड़े इन्वेस्टर्स के भारत आने को भी प्रोत्साहित करेगा। सैन होसे में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया में दुनिया को बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा कि आज ट्विटर ने आम आदमी को रिपोर्टर बना दिया है। सिलिकॉन वैली में आईटी कंपनियों के प्रमुखों एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक ने डिजिटल क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। गूगल की मदद से स्कूल, कॉलेज और 500 रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने की मजबूती से पैरवी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में नियत समय सीमा के भीतर सुधार करके सुरक्षा परिषद में विश्व के बड़े लोकतंत्र, वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़े इंजनों और सभी बड़े महाद्वीपों को शामिल किया जाना चाहिए। जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल ने कहा कि G4 कोई विशिष्ट समूह नहीं है और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए अन्य लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास करता है। देश भर में आम नागरिकों को वित्तीय मदद मुहैया कराने और मुद्रा बैंक योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से देश भर में मुद्रा लोन मेगा कैंपों की शुरुआत की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा देश भर में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस तरह के कैंपों का आयोजन किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 3 चरणों के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के नेतृत्व में एक टीम आज से पटना का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए चुनाव आयोग मुख्य सचिव, DGP और सभी DM और SP के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सऊदी अरब के मक्का में भगदड़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 769 तक पहुंच गई है। भगदड़ में घायल होने वालों की संख्या भी 934 हो गई है। वहीं मरने वाले भारतीयों का आंकड़ा अब 29 तक चला गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन लोगों को पूरी मदद करने का भरोसा दिया जिनके रिश्तेदार या जानने वालों की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। इसके लिए कई संपर्क टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं। खगोलीय अध्ययन के लिए भारत का पहला विशेष एस्ट्रोसैट उपग्रह सोमवार को छोड़ा जाएगा। इसके लिए उल्टी गिनती जारी है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-30 को भूमध्य रेखा कक्षा में स्थापित किया जाएगा। US ओपन जीतने के बाद भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने ग्वांगजाओ ओपन का खिताब भी अपने नाम कर दिया है। फाइनल मुकाबले में सानिया मिर्जा की जोड़ी ने चीनी जोड़ी SU और XU की जोड़ी को 6-3, 6-1 से हरा दिया। यूकी भाबरी ने ताइवान में चल रहे ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में यूकी ने विश्व के 40वीं वर्ता प्राप्त चेक गणराज्य के जीरी बेस्ली को हराने में सफलता पाई। शशांक मनोहर का फिर से BCCI का अध्यक्ष बनना लगभग तय है क्योंकि उन्हें अनुराग ठाकुर और शरद पवार गुट दोनों का समर्थन हासिल है और जगमोहन डालमिया के निधन के बाद रिक्त हुए अध्यक्ष पद के लिए वो दोनों गुटों की पसंद के उम्मीदवार बन गए हैं। राजधानी दिल्ली का करनी शूटिंग रेंज तैयार है 8वीं एशियन एयरगन शूटिंग प्रतियोगिता के लिए। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के 5 साल बाद ये मौका है जब राजधानी में एशिया के दिग्गज निशानेबाज मौजूद रहेंगे। भारतीय निशानेबाज भी इस प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे और गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, जीतू राय और अपूर्वी चंदेला जैसे बड़े निशानेबाजों पर सभी की नजर होगी। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस साल की थीम है 1 अरब पर्यटक, 1 अरब संभावनाएं। भारत में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।